भारत ने 73,000 अमेरिकी राइफल्स का ऑर्डर दिया। 837 करोड़ में डील हुई। 2019 में 647 करोड़ में 72,400 राइफल्स मंगवाई थी। भारत ने अमेरिका से 73,600 असॉल्ट राइफल्स का दूसरा ऑर्डर दिया। सिक्सो ने ये जानकारी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील को भारत ने 847 करोड़ रुपए में साइन किया है। इससे पहले फरवरी 2019 में फास्ट ट्रैक खरीद के तहत भारत ने 647 करोड़ रुपए में 72,400 सिग 716 राइफल्स का ऑर्डर दिया था। राइफल्स की दूसरी खरीद को दिसंबर 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने मंजूरी दी थी। इसकी डिलीवरी के बाद भारतीय सेना के पास 1.45 लाख से ज्यादा सिग 716 असॉल्ट राइफल हो जाएंगी। रूसी राइफल्स में देरी की वजह से भारत ने अमेरिका को ऑर्डर दिया था। 2018-19 में राइफल्स की बढ़ती जरूरत के लिए भारत ने रूस से AK-203 राइफल्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन इनके मिलने में देरी के चलते भारत ने फरवरी 2019 में अमेरिका फर्म 600 से डील की थी। पहले लॉट में आई 72,400 राइफल्स से सेना को 66,400, एयरफोर्स को 4,000 और नेवी को 2,000 राइफल्स दी गई थी। ये धीरे धीरे इंसॉस राइफल्स की जगह लेगी। जुलाई 2024 में 35,000 क्लाशनिकोव राइफल्स की डिलीवरी मिली थी। भारत AK-203 क्लाशनिकोव राइफल्स को रूस की मदद से अमेठी के इंडो रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड में बना रहा है। इसमें 35,000 AK-203 क्लाशनिकोव असॉल्ट राइफल की पेंडिंग डिलीवरी जुलाई 2024 में कर दी गई है। समझौते के तहत 10 साल में 6 लाख AK-203 राइफल्स बनाई जानी हैं। AK-203 प्रोजेक्ट की घोषणा 2018 में की गई थी, लेकिन लागत, रॉयल्टी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की वजहों से प्रोजेक्ट में देरी हुई।